नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा एजुकेशन में। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे रोज सुबह करेंट अफेयर्स और रोज शाम को जनरल नॉलेज की वीडियोस लेके आते हैं, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज डेट है 20 अप्रैल 2020। तो चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको रिप्लाई में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी सेना में हाल ही में गाइडेड मिसाइल विध्वंस पोत इंफाल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन ए है भारतीय जल सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायु सेना, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना। तो इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स है, पढ़ लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने रविवार को यानी कि 21 अप्रैल को INS इंफाल युद्ध पोत को पानी में उतारा। यह गाइडेड मिसाइल को ध्वस्त करने के साथ साथ मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर ले जाने व उनके संचालन में भी सक्षम है। इसके रिगार्डिंग चार पॉइंट्स दिए गए हैं, ये चार पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसकी लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17.4 मीटर है। दूसरा पॉइंट है, चार गैस टरबाइन से चलने वाला यह पोत 30 नॉट की गति से आगे बढ़ सकता है। तो इसके अलावा एक साथ इस पर 2 हेलीकॉप्टर को तैनाती हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, इसके अलावा यह न सिर्फ गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है बल्कि उन्हें चकमा भी दे सकता है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 140 युद्ध पोत, 220 एयरक्राफ्ट और 32 युद्ध पोतों का अभी निर्माण चल रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि 140 युद्ध पोत, 220 एयरक्राफ्ट और 32 युद्ध पोतों का निर्माण चल रहा है। चौथा पॉइंट है, INS इम्फाल दुनिया के दूसरे देशों में निर्मित अपनी श्रेणी के युद्ध पोत को हर मामले में टक्कर देने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच मई 2019 में वरुण 19 नौसेना युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। तो इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं कि इस अभ्यास में भारत MiG-29 लड़ाकू विमान के साथ अपने एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य का उपयोग करेगा। तो भारत क्या करेगा, भारत MiG-20 के साथ साथ INS विक्रमादित्य का भी उपयोग करेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड ने किस वर्ष में 10वीं कक्षा के दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में विजुअल एड की अनुमति दी है? ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2021, ऑप्शन डी है 2022। इसका करेक्ट आंसर है 2020। नोट्स पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग। CBSE बोर्ड ने हाल ही में 10वीं कक्षा के दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में आवर्धक लेंस, पोर्टेबल वीडियो, विजुअल ऐड का मतलब होता है पोर्टेबल वीडियो, आवर्धक के उपयोग के लिए अनुमति दे दी है। तो ये गुड न्यूज है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, भारत की गगनदीप कांग हाल ही में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली कौन सी भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पहली। इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स है, देख लेते हैं कि भारत की गगनदीप कुंग हाल ही में फेलो ऑफ द रॉयल एसोसिएट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई है। उन्हें बच्चों में होने वाले रोग के रिसर्च के लिए अनुसंधान ले गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। फिफ्थ क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय सिविल सेवा दिवस, ऑप्शन बी है भारतीय डाक सेवा दिवस, ऑप्शन सी है भारतीय कैंसर दिवस और ऑप्शन डी है भारतीय टीवी दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय सिविल सेवा दिवस, ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग नोट्स पढ़ लेते हैं। 21 अप्रैल को भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, निहित सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 4 वर्ष 2019 की जनवरी मार्च तिमाही में किस कंपनी को 10,362 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ? ऑप्शन ए है TCS, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन डी है विप्रो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्री।
रिगार्डिंग नोट्स पढ़ लेते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री, सबको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी जी की है, को जनवरी मार्च तिमाही में 10,362 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ, जो कि अक्टूबर दिसंबर 2018 के मुनाफे से 1.1% और जनवरी मार्च 2018 के मुनाफे से 9.8% अधिक है। तो ये गुड न्यूज़ है मुकेश अंबानी जी के लिए, उनको मुनाफा हुआ है। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत के जयदीप सरकार को किस देश में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इसके रिगार्डिंग नोट्स पढ़ लेते हैं। भारत के वर्ष 1997 बैच के भारतीय विदेश अधिकारी जयदीप सरकार को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह अभी भूटान देश में भारत के एम्बेसडर पद पर नियुक्त हैं। इस चीज को याद रखिएगा, भूटान देश में भारत के एम्बेसडर पद पर नियुक्त हैं कौन? तो जयदीप सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2019 में कौन सा गेंदबाज आईपीएल मैच में 50 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बन गया? ऑप्शन ए है सुनील नारायण, ऑप्शन बी है अमित मिश्रा, ऑप्शन सी है हार्दिक पांड्या और ऑप्शन डी है कुलदीप यादव। तो इसका करेक्ट आंसर है अमित मिश्रा, ऑप्शन बी अमित मिश्रा इसका करेक्ट आंसर है। इसके रिगार्डिंग नोट्स पढ़ देते हैं। आईपीएल 2019 में दिल्ली कैपिटल के प्रमुख गेंदबाज अमित मिश्रा आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे और पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। अमित मिश्रा से पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जेरी कॉम का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ऑप्शन ए है 78 वर्ष, ऑप्शन बी है 82 वर्ष, ऑप्शन सी है 88 वर्ष और ऑप्शन डी है 92 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 88 वर्ष। इसके रिगार्डिंग नोट्स देख लेते हैं कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जेरी कॉम का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह जेरी कॉम का जन्म 5 वर्ष 1931 को ओक्लाहोम में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा कि जेरी कॉम का जन्म 5 मार्च 1931 को ओक्लाहोम में हुआ था। वे मात्र 19 वर्ष की आयु में पुरुष को हवाई जहाज उड़ाना सिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टेंथ क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है माइक्रोमैक्स, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी है सैमसंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गूगल। नोट्स देख लेते हैं। गूगल ने नेत्रहीन के लिए टॉक बैक नाम से एक बेल कीबोर्ड जारी किया है। कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड का एंड्रॉयड फोन पर रोल आउट किया गया है जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है और बेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी ने टॉकबैक कीबोर्ड को विकसित किया है, तो गूगल कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन। टूर डे किस देश में खेली जाने वाली पुरुषों की साइकिलिंग प्रतियोगिता है जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है? टूर डे, तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। तो चलिए इसके रिगार्डिंग नोट्स देख लेते हैं। टूर डे फ्रांस प्रतिस्पर्धा एक वार्षिक आयोजन पुरुषों की साइकिलिंग प्रतियोगिता है जिसे 1903 में शुरू किया गया था। इस दौर को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण साइकिलिंग रेस के रूप में वर्णित किया गया और दौड़ मुख्य रूप से फ्रांस में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। स्पोर्ट्स मोटर साइकिलिंग ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन ए है टीवीएस, ऑप्शन बी है यमहा, ऑप्शन सी है हुंडा, ऑप्शन डी है बजाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टीवीएस। इसके रिगार्डिंग नोट्स देख लेते हैं कि हाल ही में टीवीएस, ये फुल फॉर्म है टीवीएस का तिरुकुरु गुंडी वेंगरम
सुंदरम, थोड़ा अटपटा नाम है, आप लोग पढ़ दीजिएगा इसको, कि मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया है। यह अधिग्रहण टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटी लिमिटेड ने 16 मिलियन पाउंड में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन, सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2004, ऑप्शन बी है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत मिशन और ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत थूकना अपराध माना गया था। इसके रिगार्डिंग नोट्स देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत थूकना दंडनीय अपराध है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत अपराध घोषित किया गया है और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए अधिनियम का पालन नहीं करने पर 1 साल कारावास या सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। इस चीज़ को अभी इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते मास्क पहनना अनिवार्य हो रहा है और थूकने से बीमारी बढ़ रही है। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अपने यात्रियों को एयरलाइन के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू किया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमीरात, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमीरात। रिगार्डिंग इसके नोट्स देख लेते हैं कि अमीरात ने अपने यात्रियों को एयरलाइन के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू कर दिया है। पहला परीक्षण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेक इन क्षेत्र में किया गया था। परीक्षण का उद्देश्य कोविड-19 के निदान के बजाय कोरोना वायरस के एंटीबायोटिक का पता लगाना था। परीक्षण के परिणाम 10 मिनट के भीतर उपलब्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है राजीव रंजन, ऑप्शन बी है वी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन सी है पी चिदंबरम और ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। इसका करेक्ट ऑप्शन है वी कृष्ण स्वामी। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये जो सटलिंग टू द टॉप है पीवी सिंधु की स्टोरी है, किसके रचयिता कौन है? तो वी कृष्ण स्वामी। इसके रिगार्डिंग नोट्स पढ़ लेते हैं कि वी कृष्ण स्वामी पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु को प्रसिद्ध पत्रकार वी कृष्ण स्वामी ने लिखा है। पुरसला वेंकट सिंधु पीवी सिंधु, ये पीवी सिंधु का पूरा नाम है कि पुरसला वेंकट सिंधु, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ने ओलंपिक खेलों में विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों में राष्ट्रमंडल खेलों एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप और एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक से लेकर कई चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है कि अरबी फिक्शन 2020 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है बिलाल अहमद, ऑप्शन बी है अमीन शेख मंसूरी, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला आईसाउही और ऑप्शन डी है शेख मेमिन चिश्ती। तो इसको करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अब्दुल्लाबा आईसाउही। तो इसको याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग नोट्स पढ़ देते हैं कि अल्जीरिया के अब्देला आईसाउही ने उन्होंने उपन्यास दी स्पॉर्टन कोट के लिए अरबी फिक्शन 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। स्पॉर्टन कोट 19वीं शताब्दी के अल्जीरियस में 5 पात्रों और उनके विभिन्न औपनिवेशिक अनुभवों की एक स्तरीय कहानी है, जिन्होंने जैकब के सिनेमा की पुस्तक भी लिखी है जिसे अल्जीरिया के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र पुस्तक से सम्मानित किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 17th क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, अगर आपके NTPC या RRB की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 18th अप्रैल, ऑप्शन बी है 17th अप्रैल, ऑप्शन सी है 19th अप्रैल और ऑप्शन डी है 21st अप्रैल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 18th अप्रैल। 18th अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन मानव विरासत को संरक्षित करना। तो विश्व धरोहर दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
टीम मास्क फोर्स किस संगठन द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए अवधारणा है? ऑप्शन ए है WWF, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है WHO और ऑप्शन डी है BCCI। इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है BCCI, ऑप्शन डी। इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं नोट्स। बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और विराट कोहली जैसे अधिकांश श्रेय क्रिकेटरों को सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स शीर्षक से एक वीडियो बनाया है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए, जो मैंने बोला था कि आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लहसुन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 18 अप्रैल, ऑप्शन सी है 19 अप्रैल और ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइएगा। और इस लेक्चर का वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा एग्जामिनेशन से पा सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।